हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल तिजारे फ्रॉम तिजारे क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 का चैप्टर है। आपने देखा होगा कि ये है, आज हम ये पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। ओके, और इसके अंदर की एक हम लोग एक्टिविटी है जो कि हम आज यहाँ पे करके देखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 19 पे हमें दिखाया गया है कि एक गर्ल है जो क्या कर रही है, उसका खिलौना खींच रही है, ठीक है। या फिर दूसरा एक और पेज दिया है सी नंबर का, जिसमें एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी को खींच रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे वो लोग अपना फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे थ्योरी में एक्सप्लेन करके दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बेसिकली थ्योरी एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल, और आज उसी के लिए मैंने आपके लिए लाया है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लाया है मेरे पास में। आप खिलौना तो था नहीं, ओके, तो चलिए मैंने सोचा चलो इसी का इस्तेमाल करके आपको समझा दिया जाए। तो देखिए, बिल्कुल एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ओके, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, एक रस्सी बांध ली है ताकि मैं इसको खींच सकूं, ओके, जैसे उस गर्ल ने खींचा है या जो बड़ी कार उस छोटी कार को खींच रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने एरो निकाल के रखा है यहाँ पे इस पोजिशन पे, ठीक है। यहाँ पे एरो क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस तरफ जा रहा है, ओके, उस तरफ जा रहा है। तो ये मैं यहाँ पे अभी ये ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ओके, और मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं खींचता हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरी हाइट के हिसाब से ही उसको खींचूंगा। तो अगर मैं मेरी हाइट के हिसाब से खींचूंगा तो मेरा जो फोर्स है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो फोर्स है इस रस्सी की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ओके। अब मैं इसको खींचता हूं तो ये धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है वो सामने तो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है। इस सामने आने वाली सिचुएशन के हम लोग क्या कहेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि मेरा फोर्स कुछ अलग डायरेक्शन में था लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। मैंने फोर्स इसके भी इधर लगाया था इस डायरेक्शन से, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन से हो रहा है, ओके। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ओके। अब पहला नंबर का अगर आप ए नंबर का ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें एक मीनाक्षी नाम की लड़की है जो क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को टेबल पर से धकेल के दूसरी तरफ लेके जा रही है। अच्छा होगा कि आप पेज नंबर 19 देखिए, ओके, तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं सिर्फ ऐसे यू पकड़ के यू खींच देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो है डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा फॉर्मूला लगता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसका मतलब क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग स्मॉल एस इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट शो करने के लिए, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमें बताया गया है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप अगर किताब सामने रखोगे तो इस डायग्राम में आप जरूर देखिए, इस डायग्राम में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है। ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी इस वाला ये वाला ऑब्जेक्ट है जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, और साथ ही में आपको उसके बाद में जो थ्योरी है थोड़ी सी वो थ्योरी भी आपको देखनी है। उसके अंदर लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ओके। अभी cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कहाँ से आया पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिये मैंने जो है इस रस्सी से इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, अपनी तरफ खींचा, ओके, मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा। चलो किताब में जिस डायरेक्शन से खींच के बताया गया है डायग्राम में, उसी डायरेक्शन से हम लोग उसको खींच के देखते हैं, ओके। तो अब देखिए किताब में भी इसी डायरेक्शन से खींचा गया है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे कि भाई अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से खींचता हूँ तो मेरा फोर्स जो है वो ऐसा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा है ना, टिल्ट है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो तो स्ट्रेट है ना, तो दोनों में फर्क है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पहले से पोजीशन पे लेके जाता हूँ और ऐसा अगर फोर्स लगाता हूँ तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये लाइन है जहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो एक लाइन हो गई। और साथ ही में
अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसा लाइन निकाल दूं, मान के चलिए मैंने एक और ऐसा लाइन निकाल लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो गया है ना, और ये ट्रायंगल जो है आपका यहाँ पे कुछ 90 डिग्री का एंगल तैयार कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अपना 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे तैयार कर रहा है। अब आपको ये बात पता होगी कि 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस, ओके। और ये जो व्हाइट कलर की आपको लाइन दिख रही है सबसे नीचे, वो कौन सा पार्ट हो गया, वो तो बेस हो गया, ओके। तो कॉस थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉस थीटा का मीनिंग होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। तो जब मैं इस रस्सी को ऐसे पकड़ता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इसका मीनिंग होता है, ओके। अब बात करेंगे हम लोग कि हमें कहा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जब भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इस तरीके से रस्सी पकड़ता हूं तो मेरा जो फोर्स है वो अलग डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब मुझे कॉस थीटा की कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी, ओके। तो देखिये यहाँ पे एक एंगल तैयार हो रहा है ना, यहाँ पे 90 का एंगल तैयार हो रहा था अपना, ओके, और ठीक वैसे यहाँ पर भी एक एंगल तैयार होगा, ठीक है। अब वो एंगल कितना होगा ये तो अलग अलग सिचुएशन भी डिपेंड करेंगी, ठीक है, कितना होगा तो देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो फोर्स है वो अलग है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ओके, क्योंकि मुझे अब इस एंगल की भी जरूरत लगती है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं इस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है, ओके। तो ये एंगल अगर मैं मान के चलता हूँ पहले केस में कि भाई ये एंगल जीरो का है, ओके, क्या बोला है किताब में, सबसे पहला वाला एंगल आप चाहे तो ये किताब देखिए, और सबसे नीचे जो ये टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं किताब आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जीरो डिग्री का कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो वन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और 90 डिग्री का आपको कॉस थीटा का वैल्यू जीरो दिखाई दे रहा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपको 180 डिग्री के लिए दिखाई दे रहा होगा माइनस वन, ओके। तो इन तीनों का मतलब क्या है प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले आज, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस थीटा का अगर वैल्यू जीरो डिग्री रहता है तो उसका वैल्यू कितना बनता है, ओके, तो उसका वैल्यू बनता है वन। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए मैं जिस तरफ अगर इस रस्सी को खींच रहा हूँ, ठीक है, तो इसका एंगल कितना बन रहा है इस बेस के साथ में, ओके, ये जो बेस है हमारा, इस बेस के साथ में इस रस्सी का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब ये डिग्री ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब ये जो एंगल है ये जीरो का कब बनेगा, ठीक है, तो ये जीरो का तब बनेगा जब ये बेस और ये मेरी रस्सी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल, एक दूसरे से लग के, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं रस्सी से फोर्सफुली खींचता हूं तो ये जो मेरा फोर्स मैं लगा रहा हूं अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपका मेरा फोर्स और ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, ओके। मैं फिर से बताता हूँ, अभी अगर मैं रस्सी को बिल्कुल सेम लेवल पे लेके जाता हूँ जीरो डिग्री की पोजीशन में, तो मेरा फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ और मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं इस वैल्यू को मेरे फॉर्मूला में डालता हूँ, ठीक है, अब देखिए अगर उतना का उतना ही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से फोर्स है उसी तरीके से क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, तो वन है। ये वन कहाँ से लाया हमने, तो ये कॉस थीटा की भी वैल्यू है, और ये आप देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब इक्वल है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, वन बनेगा। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि आपको अगर वैल्यू दिया रहेगा 90 डिग्री कॉस थीटा का, ठीक है ना, आप किताब में देख सकते हैं वैसे कि 90 डिग्री का भी आपको वैल्यू बोला गया है, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर वैल्यू है सपोज, तो 90 डिग्री बनेगा कैसे, तो पहले तो ये देखेंगे कि 90 डिग्री बनेगा कैसे। मान के चलते मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको रस्सी से खींचना है
और अगर मैं इसको खींच रहा हूँ किसी एंगल से और वो एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो वो 90 डिग्री एग्जैक्टली बनेगा कैसे? जब मैं इस रस्सी को ऐसे पकड़ूंगा। ओके, अब मैंने इस रस्सी को ऐसे पकड़ लिया है तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट तो ये इस तरफ ही हो रहा था ना, जहां पे वो मेरी तरफ हो रहा था अभी जहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये इस तरफ। ओके, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया अभी 90 डिग्री से, वो अगर ऐसा होता तो तब क्या होता? तो देखिए, मैं इसको फोर्स लगा के बताता हूँ आपको, आपको ध्यान में आएगा कि अब हो क्या रहा है। मैं अगर इसको खींचता हूँ फोर्स लगा के, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली जीरो है इस पोजिशन में। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं हिल रहा है, ये सामने जा रहा है क्या? ना सामने जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना सामने जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्क किसे कहते हैं हम लोग? जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब एक चीज अपनी जगह छोड़ के जब दूसरी जगह पे जाएगी, तब उसी चीज को हम कह सकते हैं कि यह है वर्क। ओके, अगर इसके अलावा कुछ और काम आप कर रहे हो तो उस वर्क को हम वर्क नहीं कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क इस वर्ड में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कंपल्सरी। अब मुझे बात बताइए कि अगर इसके अंदर मैं इसको 90 डिग्री का एंगल से फोर्स लगाता हूँ तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना वो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है जीरो। और इसी वजह से अगर इस जीरो को हमने अगर फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो फॉर्मूला आप देख सकते क्या है तो किताब में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू मेरी जीरो आ जाती है तो F इंटू एस भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा जो वर्क का वैल्यू मिलेगा हमें वो भी जीरो ही मिलेगा। और इसीलिए आपको इस किताब में भी यही बताया गया है कि 90 डिग्री के लिए जो W का प्राइस, W का वैल्यू होता है, वर्क का जो वैल्यू होता है वो जीरो ही होता है। ओके, तो यही है इसका रीजन कि जब भी हम उसको 90 डिग्री से फोर्स लगाते हैं तो ये कंप्लीटली जीरो वर्क होता है। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको वर्क नहीं कहा जा सकता। ओके, अब रही बात तीसरा एक मॉडल, तीसरा एक चीज दिया गया है कि आपने अगर उसको 180 डिग्री से फोर्स लगाया तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 180 डिग्री कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जीरो डिग्री कब बनेगा। देखिए, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट का बेस का जो पोजीशन है ये तो यही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 180 डिग्री करना है, देखिए पहले मेरा रस्सी कहाँ था? जीरो की पोजीशन में, इस तरफ था, 90 पे गया तो कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसको 180 डिग्री गया भैया, यहाँ से यहाँ पे प्लाया तो 90 डिग्री हुआ, तो और 180 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसी रस्सी को क्या करना पड़ेगा? इस तरफ से खींचना पड़ेगा। ओके, अब जब मैं इस रस्सी को इस तरफ से खींचता हूं तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, देखिए मैं इसको यहां से अभी बिल्कुल एग्जैक्टली फोर्स लगा रहा हूं, ये जो रस्सी है ये इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टच है, इस सरफेस को भी बिल्कुल पैरेलल है। ओके, अब अगर जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे आ रहा है। क्या हो रहा है? ये पीछे आ रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये जब पीछे आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी भैया? जब पहले जीरो का एंगल था तब वो पॉजिटिव वन था, अब ये एग्जैक्टली वापिस आ रहा है उसी डायरेक्शन में, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा माइनस वन। ओके, कॉस थीटा का जब अगर आप टेबल भी देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री के लिए वो माइनस वन होता है। ओके, तो वो इसी वजह से माइनस वन होता है। आप चाहे तो वो चार्ट देख सकते हैं, पिजारे क्लासेस का जो फॉर्मूला बुक आपको इश्यू कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, वो आप उसमें पेज नंबर 17 पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा इन सबका वैल्यू उसके अंदर दिया गया है, पेज नंबर 17 पे देखिएगा टेबल में। ओके, तिजारे क्लासेस का फॉर्मूला बुक जो हर बच्चे को मैंने इश्यू किया है ऑलरेडी, ठीक है, उसके अंदर ये चीज आपको मेंशन करके मिल जाएगी। अब देखिए, अगर इस माइनस वन, इस कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई हमारी माइनस वन, तो इसी माइनस वन को अगर हम लोग फॉर्मूला में डाल देते, क्या है हमारा फॉर्मूला? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू हम लोग माइनस वन रख देंगे
तो क्या होगा, वन से तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ और एस को भी, ठीक है, लेकिन माइनस साइन रहने की वजह से क्या होगा कि माइनस उसको साइन आ जाएगा। इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, मतलब माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब माइनस का मतलब क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उल्टी दिशा में जा रहा है ना, डायरेक्शन जो है वो उसका उल्टा हो रहा है, बस यही यहाँ पे शो हो रहा है। जब जीरो था तब क्या था, तब तो ये पॉजिटिव था, ओके, पॉजिटिव वन था, इसलिए वो इधर आ रहा था, ठीक है। तो ये है इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब इसका इस थ्योरी का एक्चुअल रियल में क्या जरूरत, कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए बहुत जगह पे इसका जरूरत पड़ता है। इस फॉर्मूला को आपने देखा होगा कि ट्रक्स होते हैं, है ना, आपने ट्रक देखे होंगे, तो ट्रक में डंपर ट्रक आपने देखे होंगे, ओके, जिसके अंदर ऐसा रेती वगैरह या गिट्टी वगैरह लेके जाते हैं, तो उसका जो पीछे का डाला होता है वो ऐसा उठता है ना, हाइड्रोलिक लगा हुआ रहता है उसका, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जब उठता है तो उसमें भी सेम फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक का जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन अलग हुआ होता है, ठीक है। मान के चलिए कि ये कोई ऐसा ट्रक है, ठीक है, ये सपोज एक कोई ट्रक है, ये किताब मतलब कोई ट्रक है, और इसके ऊपर वो जो इसमें जिसके अंदर हम लोग मट्टी या कोई गिट्टी वगैरह डालते हैं वो चीज ये है, ठीक है। तो ये ऐसी उठती है पूरी की पूरी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जब ये उठती है तो ऑब्वियसली इन सभी जगह पे जो डिस्टेंस सॉरी जो फोर्स है वो अलग डायरेक्शन से अप्लाई किया जाता है हाइड्रोलिक की मदद से, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसका बारीकी से निगरानी करके भी पता कर सकते हैं इन सब बातों को। तो बिल्कुल आपको अगर साइंस सीखना है तो तीजारे क्लासेस के अलावा बेटर ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको प्रैक्टिकली मिल जाती है। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप ये मेरा वीडियो जरूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर इस प्रैक्टिकल्स को लेकर आप लोग वीडियो देख सके और अच्छे से समझ सके उस टॉपिक को। और बिल्कुल अपनी आंखें और दिमाग खुली रखना है आपको, और चारों तरफ देखते रखना है। फिजिक्स सीखना बहुत ही आसान चीज हो जाती है, और साथ में साइंस का कुछ भी अगर रहता है, बायो केमिस्ट्री, तो आपको जो भी लगता है मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।